नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान से रियलिटी पर। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां की ठंड से धरती की सबसे ठंडी जगह भी गर्म लगने लगेगी। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थान की, बूमरैंग नेबुला। क्या है यह जगह और कैसे यह -272 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडी है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बूमरैंग नेबुला आखिर है क्या। यह एक प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला है जो पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस तारा मंडल में स्थित है। ये वह जगह है जहां एक डाइंग स्टार यानी मरता हुआ तारा अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक मरता हुआ तारा नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नेबुला इतनी ठंडी क्यों है। बूमरैंग नेबुला का तापमान है -272 डिग्री सेल्सियस, जो कि एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ एक डिग्री कम है। एब्सोल्यूट जीरो वह तापमान है जिसके बाद कुछ और ठंडा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि उस तापमान पर परमाणुओं की सारी गतिशीलता रुक जाती है। यह इतना ठंडा क्यों है? इसका कारण है कि यह नेबुला गैस और धूल की भारी मात्रा को बहुत तेजी से बाहर फेंक रहा है, लगभग 5,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस तीव्र गति से गैस फैलती है जिससे इसका तापमान बहुत ही तेजी से गिर जाता है। यह एक्सपेंशन प्रोसेस ही इसे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। अब चलिए जानते हैं इसका नाम बूमरैंग नेबुला क्यों रखा गया। शुरुआत में खगोलविदों ने जब इसे देखा तो उन्होंने इसकी आकृति को बूमरैंग जैसा पाया। हालांकि बाद में और भी उन्नत टेलीस्कोप से यह पता चला कि इसकी वास्तविक आकृति एक बो टाई की तरह है। लेकिन नाम पहले ही बूमरैंग नेबुला पड़ चुका था और अब भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। बूमरैंग नेबुला को देखने के लिए हमें किसी साधारण टेलीस्कोप की नहीं बल्कि विशेष रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होती है, जैसे कि ALMA एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे, जो चिल्ली में स्थित है। ALMA के जरिए खगोलविद इस नेबुला की अद्भुत तस्वीरें और डेटा प्राप्त करते हैं। यह नेबुला विजिबल लाइट में नहीं दिखता क्योंकि यह इतनी दूर है और इसकी ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए खगोलविद इसे माइक्रोवेव और सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स में डिटेक्ट करते हैं, जो हमें इसकी ठंडक और फैलाव की जानकारी देती है। वैज्ञानिकों के लिए बूमरैंग नेबुला एक रहस्य बना हुआ है। इसकी अत्यधिक ठंडक और अजीब आकार खगोल विज्ञान के नियमों को चुनौती देते हैं। अभी तक हम यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि यह नेबुला इतनी ज्यादा गैस और धूल को इतनी तीव्र गति से क्यों निकाल रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया एक बाइनरी स्टार सिस्टम का परिणाम हो सकती है, जहां एक तारा अपने साथी तारे से बहुत तेज गति से गैस निकाल रहा है। लेकिन यह अभी भी एक हाइपोथेसिस है और इस रहस्य को पूरी तरह से हल करने के लिए और अध्ययन की जरूरत है। वैसे बूमरैंग नेबुला ही ब्रह्मांड का अकेला ठंडा स्थान नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में और भी ठंडे क्षेत्र हैं, लेकिन कोई भी बूमरैंग नेबुला जितना ठंडा नहीं है। उदाहरण के लिए बूमरैंग नेबुला से अगले सबसे ठंडे स्थानों में आते हैं मंडलाकार नेबुला और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, लेकिन इनकी ठंडक बूमरैंग नेबुला के सामने कुछ नहीं है। भविष्य में वैज्ञानिक और अधिक उन्नत टेलीस्कोप और उपकरणों का उपयोग करके इस नेबुला के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह नेबुला एक दिन और भी ठंडा हो सकता है और क्या हमें ऐसे और भी ठंडे स्थान ब्रह्मांड में मिल सकते हैं, यह सब हमें भविष्य में पता चलेगा। तो दोस्तों, यह था बूमरैंग नेबुला, ब्रह्मांड का सबसे ठंडा स्थान। यह एक रिमाइंडर है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने अद्भुत और अजीब रहस्य छिपे हुए हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में इससे भी ठंडी जगह हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।